أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام عليكم. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqan Ul Hakim Academy Lahore Pakistan से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, my dear viewers, and my dear respected teachers, and my dear respected Qurra Hazrat, Hufaz-e Karam, Alma Qariya. दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और मुझे आप काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस वसूल हुए हैं जिसमें आप लोगों ने कहा है हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है और हम इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते. वी कांट टीच द होली कुरान इन इंग्लिश, सो प्लीज़ गाइड अस. तो मैंने सोचा मैं आपके लिए इंग्लिश की वीडियो बनाता हूँ, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात. तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. और इस वीडियो का ये लेसन नंबर 7 है, ठीक है. इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो कि मैंने कल बनाई थी वीडियो, और आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ तो लेसन नंबर क्या है, 7, ठीक है. और एंड तक वीडियो देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए. हो सकता है कि कोई भाई और बहन परेशान हाल हो और उनको इंग्लिश में टीचिंग करना ना आ रहा हो, तो उनकी कोई ना कोई हेल्प हो जाए ताकि उसका जो अजर है मुझे भी मिल सके, सवा मुझे भी मिल सके. और कोई सीख लेगा, कोई पढ़ा देगा तो और मुझे क्या चाहिए. दोस्तों, मैंने ये देखा है कि अगर ये वीडियो अगर कोई प्रैंक होता या कोई कॉमेडियन कोई चीज़ होती या शेर व शायरी या कोई फिल्म होती, मूवी होती, तो लाजमी मिलियंस के हिसाब से यहाँ पर कमेंट्स भी आ रहे होते और लाइक्स भी और शेयरिंग भी हो रही होती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि लोगों का जो रुझान है वो कुछ और ही हो गया है. लेकिन देखिए, ये बार बार ज़िंदगी में ऐसे मौके नहीं मिलते. तो आप जो सीखना चाहते हैं कुरान को इंग्लिश में, तो हम लोग बैच नंबर 15 जो है वो हमारा जारी और सारी है. हम लोग उनको करवा रहे हैं और उनके अंदर हम बहुत कुछ ऐसी PDFs फाइल भी हम दे रहे हैं जो कि हर एक ऑनलाइन कुरान टीचर्स के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं. उनके पास ये फाइल PDF फाइल्स का होना बहुत ज़रूरी है. तो और ये लाजमी कोर्स करें और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे. चले चलते हैं हाँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या मज़े मज़े की वीडियो बना रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ. और हम लर्निंग इंग्लिश थ्रू पिक्चर्स, ये इसका टाइटल है. और हम आप लोगों को पिक्चर्स के ज़रिए हम आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ये ना चीज़ बंदा ना चीज़ कोशिश कर रहा है हकीर सी, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात. चलें जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर. ओके जी, चलें जी, देखते हैं. ये पिक्चर नंबर 1 है, ठीक है. इसके अंदर हम देखते हैं, तारुफ करवाते हैं. और वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, क्या आप कुछ पीना पसंद फरमाएंगे या करेंगे, ये लड़की इस लड़की से पूछती है, ठीक है. वो कहती है यस प्लीज, जी हाँ बराए मेहरबानी फरमा कर दे दीजिए. और दूसरी पिक्चर्स के अंदर ये लड़की कहती है व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे. और ये लड़की कहती है अ ग्लास ऑफ वाटर वुड बी नाइस, ठीक है, पानी का एक ग्लास सही रहेगा, ठीक है. तो आगे चलते हैं इस तस्वीर के अंदर. वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, ये फ्रेंड जो है अपने दोस्त से पूछता है कि आप कुछ खाना पसंद करेंगे, और ये कहता है यस प्लीज़,
जी हाँ बराए मेहरबानी। वट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे, ये शख्स इससे पूछता है। और ये शख्स कहता है आ सैंडविच, आ सैंडविच वुड बी नाइस। वो कहता है एक सैंडविच बेहतर रहेगा। ओके, ये फिफ्थ नंबर एंड सिक्स्थ नंबर आप ये छोड़िए और वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश करें खुद से ये सेंटेंस आप बनाएं, ठीक है, और उसकी आप प्रैक्टिस करें। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय का कप पीना पसंद करेंगे, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। यस प्लीज, वो कहती है जी हाँ बरह मेहरबानी। और ये पूछती है कि मिल्क, नो थैंक्स, नहीं बहुत शुक्रिया। फिर आप इस वीडियो में आगे देखते हैं, शुगर, यस प्लीज, जी हाँ बराए मेहरबानी मुझे शुगर चाहिए। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, आप कुछ पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मुख्तलिफ इमेजेस आ रहे हैं। नंबर वन, वन स्पून ऑफ शुगर, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है, आपको कितनी शुगर चाहिए वो आप बता सकते हैं उसको, ठीक है। यस आई नीड टू स्पून, थ्री स्पून एंड फोर फाइव एटसेट्रा एटसेट्रा। चलें जी आगे इस इमेज में देखते हैं, शुगर, यस प्लीज, हाउ मैनी, कितनी चाहिए, टू, टू प्लीज, इन्होंने यहाँ पर कहा है टू प्लीज, दो बराए मेहरबानी। आगे चलते हैं, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। एप्पल्स, यस, ये अपनी वाइफ से पूछता है कि एप्पल्स चाहिए आपको, और उसके बाद वो पूछता है हाउ मैनी, कितने चाहिए। तो उसकी वाइफ कहती है सिक्स, राइट, सिक्स। आ टिकट, सम टिकट्स, कुछ टिकट्स, हाउ मैनी टिकट्स, थ्री प्लीज, तीन चाहिए मुझे, ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे चलते हैं, अ टैबलेट, सम टैबलेट्स, हाउ मेनी टैबलेट्स, वन। डॉक्टर कहता है कि कितनी टैबलेट चाहिए, वो नर्स को बताता है कि एक। आगे चलते हैं, अ चाइल्ड, अ आर्टिकल लगा है एक के लिए, ये तादाद बताता है जो काउंटेबल नाउन में होता है, आप आसानी से काउंट कर सकते हैं नाउन को। सम चिल्ड्रन, ये देखें आप देख रहे हैं सम चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन, फाइव। अ बैग, सम बैग्स, हाउ मेनी बैग्स, फोर, फोर, यस फोर बैग्स। या द बेंसन, आर यू जोडीज ब्रदर, आर यू जोडीज ब्रदर, क्या आप जोडीज के भाई हैं। ओके, यहाँ पर जोडी प्रॉपर नाउन है, और उसको इसका कोमा डालकर एस अगर हम डाल देंगे, इसका मतलब है का की के, ठीक है, उसका उसकी उसके इसके लिए इस्तेमाल होता है। आर यू जोडीज ब्रदर, ठीक है, क्या आप जोडीज के भाई हैं। और ये कहता है नो आई एम नॉट, इसका मतलब है आई एम, ओके, आई एम नॉट। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, क्या आप कुछ पीना मशरूब पीना पसंद करेंगे। और वो ये कहता है यस, जी हाँ बराए मेहरबानी प्लीज। वॉट वुड यू लाइक, क्या पसंद करेंगे, अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस वुड बी नाइस। ये कहता है कि एप्पल का जो जूस है, एक ग्लास एप्पल जूस,
ये बेहतर रहेगा, ये सही रहेगा। हेलो टॉम, हुज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है? वो पूछती है, हेलो टॉम हुज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है? हिज नेम्स बेन, उसका नाम बेन है। हिज, ये क्योंकि लड़की की बात हो रही है तो इसलिए हिज आ गया है, और अगर लड़की की बात होती तो यहां पर हर लग जाता, ठीक है। हिज नेम्स बेन, उसका नाम बेन है। वुड यू लाइक अ ड्रिंक, क्या आप कुछ, क्या आप मशरूब लेंगे? और वो कहता है, यस प्लीज, जी हाँ बराए मेहरबानी, अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस वुड बी नाइस, ठीक है, मुझे ऑरेंज का एक ग्लास, ऑरेंज का मुझे, मेरा ख्याल है वो सही रहेगा, ठीक है, अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस वुड बी नाइस, वो सही रहेगा। एंड हुज योर फ्रेंड, और तुम्हारा दोस्त कौन है? हर नेम्स जिल, हर नेम्स जिल, ये लड़की कहती है कि वो जिल जो है वो मेरी दोस्त है। हर नेम इज जिल, उसका नाम जिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने हकीर सी कोशिश की है, अगर इसमें कोई मिस्टेक रह गई हो पढ़ने में या बताने में तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें मुझ न चीज़ को सही पढ़ाने की और पढ़ने की तौफीक अता फरमा। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, ए अल्लाह, और जो नहीं भी करेंगे, ए अल्लाह, उनके इल्म में, माल में, दौलत में, इज्जत में, ईमान में और ज़िंदगी में अजाफा और बरकत अता फरमा। और मेरे मालिक, मेरे खालिक, इनकी औलाद को इनकी आँखों की ठंडक बना दे और नेक और सालिया बना दे, आमीन। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।